लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। का शमन करते हुए श्री हरि ने उत्तानपाद, सुनीति और ध्रुव के भविष्य की ओर देखने की प्रेरणा प्रदान की। उधर अपने परम भक्त धैया और साढ़े साती से रुष्ट शनिदेव ने उन्हें भस्म कर देने का निश्चय कर लिया। ये देखकर सात्विक ग्रह चंद्र, बुध और मंगल प्रसन्न हो उठे, किंतु अपने स्वभाव के अनुसार हर एक का कल्याण करने वाले
देवर्षि नारद ने स्वयं को संकट में डालकर शनिदेव की कुदृष्टि से ढैया और साढ़े साथी की रक्षा की। नारद की ही प्रेरणा पर जिसके रक्षक स्वयं जगदीश्वर भगवान विष्णु हो, उसे भला कोई क्या हानि पहुंचा सकता है। महारानी सुनीति को दंडित करने की व्यस्तता में आप अपनी परम भक्तिनी सुरुचि को कैसे भूल गए, जिसकी प्रार्थना पर आपने महारानी सुनीति को नष्ट कर देने का प्रयास किया था। तुम क्या कहने के इच्छुक हो नारद? भाग्य विधाता, आपकी कृपा से पुत्र पाकर सुरुचि आपको भूल गई है। महाराज उत्तानपाद को कष्ट पहुंचाने के नए नए प्रयास कर रही है, जो आपकी मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है। सुरुचि के दुष्कर्मों का हमें ज्ञान है नारद, हमारी कृपा नहीं उसे स्वार्थी और अहंकारी बना दिया है। वो हमारे भक्ति की उपेक्षा कर रही है। शनिदेव, आप सुरुचि के माध्यम से संसार का परम सत्य और दिव्य ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं कर लेते? इस संसार में ऐसा कौन सा ज्ञान और सत्य है जो भाग्य विधाता शनिदेव को ज्ञात न हो? शनिदेव, वो सत्य और ज्ञान ये है कि आपके भक्त आपकी आराधना अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं, और जैसे ही कार्य पूर्ण हो जाता है वो आपको भूल जाते हैं। किंतु भगवान विष्णु के भक्त भयानक से भयानक कष्ट पाकर भी उन्हें क्षण मात्र को भी नहीं भूलते। भाग्य विधाता, स्वार्थी और सच्चे भक्त के बीच का अंतर समझने का यदि आप प्रयास करें तो संसार को भयभीत करने का अपना स्वभाव आप स्वयं ही त्याग देंगे। आपका कल्याण हो। सबको भ्रमित करने वाला नारद, नारद भाग्य विधाता शनिदेव को भ्रमित नहीं कर सकता, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। किंतु आज न जाने क्यों मेरे मन में दया कृपा की भावना जागृत हो रही है, इसी कारण हम आज तुम दोनों को क्षमा करते हैं। किंतु निश्चिंत रहे भाग्य विधाता शनिदेव, अब हमसे कभी भी कोई भी भूल नहीं होगी, हमें क्षमा कर दें। भाग्य विधाता शनिदेव की जय। जय। हमारे युवराज को किसी की कुदृष्टि ना लगे। पटरानी जी, युवराज उत्तम लाखों में एक है। इनका तेजस्वी रूप मनुकुल की प्रतिष्ठा को और उज्जवल कर देगा। तू सत्य कह रही है मुखरी, मेरे पुत्र पर वत्स देश की आभा है, कितना उज्जवल ललाट है। हाँ पटरानी जी, नासी को तो देखे और इनके नयन कितने विशाल और सुंदर है। हटो हटो, तुम सब मेरे युवराज को दृष्टि लगा दोगी। शनिदेव, शनिदेव मेरे पुत्र पर कृपा करिए। भाग्य विधाता शनिदेव, मैं यहाँ तुम्हारे पुत्र को नष्ट करने नहीं अपितु तुम्हें सावधान करने आया हूँ। सुरुचि, क्या भाग्य विधाता शनिदेव के सम्मान में मुझसे कोई भूल हुई है? हाँ सुरुचि, तुमने भयानक भूल की है। कौन सी भूल शनिदेव? तुमने हमारी कृपा का लाभ उठाकर अपनी सारी कामनाएं पूर्ण की, और अपना स्वार्थ सिद्ध होते ही तुमने भाग्य विधाता शनिदेव को उपेक्षित करने का दुस्साहस किया। इसका परिणाम तुम्हारे जीवन में भयानक होगा सुरुचि।
दया करे भाग्य विधाता शनिदेव, क्षमा करे भाग्य विधाता। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपकी हर इच्छा को पूर्ण करूंगी, परंतु मेरे पुत्र को कोई हानि ना पहुंचे। हमारी कृपा से जन्मे बालक युवराज उत्तम को हानि पहुंचाने का दुस्साहस इस संसार की कोई भी शक्ति नहीं कर सकती। किंतु क्या भाग्य विधाता शनिदेव, तुमने हमारी पूजा आराधना जप तप और व्रत की जो परंपरा प्रारंभ की थी उसका पालन निरंतर करती रहो। यदि एक दिन के लिए भी तुमने हमारे पूज्य भाव को ठेस पहुंचाने का दुस्साहस किया तो इसका परिणाम क्या होगा यह तुम देख ही लोगी। सुरुजी, स्मरण रख कि मैं शनि हूँ शनि। जी, क्या हुआ? आप अश्रु क्यों बहा रही हैं? न जाने किसी अज्ञात शक्ति ने हमें शून्य भाव में पहुंचा दिया था। आप कहे क्या हुआ? मेरी प्रिय दासी मुखरी, वचन दो तो एक बात कहूं। पटरानी जी, वचन की क्या आवश्यकता है? मुखरी का जीवन, मुखरी के प्राण आपके चरणों में समर्पित है। आप आज्ञा करें। इस देह को त्यागने में मुखरी क्षण मात्र का भी विलंब नहीं करेगी। प्रिय मुखरी की भांति, क्या तुम सब भी मुझे वचन दे सकती हो कि जो कुछ भी मैं कहूंगी तुम उसका पालन करोगी? आप आज्ञा करें पटरानी जी, हम वचन देती हैं। आप जो कुछ भी कहेंगी हम सब उसका पालन करेंगी। मेरी प्रिय दासियों, हमें इसी क्षण से भाग्य विधाता और विध्वंसक शक्तियों के स्वामी शनिदेव की आराधना प्रारंभ करनी है। क्षमा करें पटरानी, मनुकुल के आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु हैं। उनकी आराधना के अतिरिक्त कंपिला में किसी और देवता की आराधना नहीं होती। मुखरी, आज्ञा पटरानी। मनुवंशियों का हित करने वाली इस दुष्टा को किसने मेरी व्यक्तिगत सेवा में लगाया है? उत्तर दे दुष्टा, मेरी सेवा में किसकी इच्छा से नियुक्त हुई है तू? पटरानी जी, कंपिला के इस राजमहल में तथा आपके कक्ष में मैं लंबे समय से काम कर रही हूँ। मुखरी, कंपिला की दासी हमारी व्यक्तिगत सेवा में किस प्रकार आ गई? ऐसा प्रतीत होता है मुखरी कि हमारे विरोध षड्यंत्र में तुम भी सम्मिलित हो। ऐसा आरोप न लगाए पटरानी जी, मेरे जीवन का हर क्षण आपके चरणों में समर्पित है। तो ये दुष्टा हमारे कक्ष में किस प्रकार आ गई? किसने इसे हमारी व्यक्तिगत सेवा में नियुक्त किया? ये दोष मेरा है पटरानी जी। इसकी निर्धनता पर तरस खाकर मैंने इसे आपकी चाकरी में लगा दिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि सिर पटक पटक कर सेवा की विनती करने वाली ये दुष्टा मनुवंशनी इतनी अधिक दुष्कर्मी और गुलटा होगी। आप निश्चिंत रहे पटरानी जी, मैं इसे ऐसा दंड दूंगी कि संसार कांप उठेगा। तुमने जो भूल की है मुखरी, उसके लिए तुम्हें दंड मिलना उचित है, किंतु तुम्हारी सेवाओं को देखते हुए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। लेकिन इस दुष्टा को उतना ही भयानक दंड दो जितना तुमने कहा है। देखते क्या हो, बंदी बना लो इसे। राज प्रासाद के गुप्त मार्ग से वन प्रदेश ले जाकर इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जंगली पशुओं को डाल दो। जाओ इसे लेकर। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। अब आज्ञा करें पटरानी जी, भाग्य विधाता शनिदेव की किस प्रकार आराधना करनी है? भाग्य विधाता शनिदेव ने स्वयं प्रकट होकर मुझे सावधान किया है। यदि एक क्षण भी हमने उनकी आराधना से अपना मन हटाया तो परिणाम हमारे हित में भयंकर होगा। आप निश्चिंत रहें पटरानी जी, शनिदेव की भक्ति में हम अपना सर्वस्व समर्पित कर देंगे।
हमारे युवराज पर भाग्य विधाता की दृष्टि बनी रहे। जय शनिदेव। जय शनिदेव। ओम नमो नारायणाय। 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 ओम नमो युवराज, आप शनिदेव की पूजा से भयभीत होकर ना भागें। आपका जन्म शनिदेव की कृपा का परिणाम है। यदि आप इस तरह भागेंगे तो शनिदेव रुष्ट हो जाएंगे। आप चले हमारे साथ और शनिदेव से क्षमा मांगे। नहीं माताश्री, मैं शनिदेव की मूर्ति के समीप नहीं जाऊंगा। किंतु क्यों पुत्र? शनिदेव भयानक है, उन्हें देखकर मुझे भय लगता है, मैं नहीं जाऊंगा। हट ना करें युवराज, शनिदेव परम दयालु है, वो अपने भक्तों पर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। यदि आप उनकी आराधना करेंगे तो आपका कल्याण ही होगा। नहीं नहीं नहीं, जिनसे मुझे भय लगता है मैं उनकी पूजा कैसे कर सकता हूँ? युवराज, भाग्य विधाता शनिदेव की विध्वंसक शक्तियों से आप परिचित नहीं है। यदि वे कृपा करें तो आप सर्वशक्ति संपन्न हो सकते हैं। मुझसे हट ना करो, अन्यथा। युवराज, अन्यथा क्या करेंगे आप? मैं उत्तम रुको। अरे अरे रे युवराज, कहाँ भागे जा रहे हो? आइए। अच्छा ये तो बताइए कि आप इतने भयभीत क्यों हैं? पिताश्री, मैं शनिदेव की पूजा नहीं करूँगा। पटरानी, युवराज की इच्छा का सम्मान करें। यदि ये शनिदेव की आराधना के इच्छुक नहीं तो इन्हें विवश न करें। माता और पुत्र के मध्य में आप अपना परामर्श न दे तो उचित होगा। यदि इसके आचरण से शनिदेव क्रोधित हो गए तो हम दोनों के प्राणों पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। प्राणों पर संकट? अर्थात? आपको ज्ञात नहीं स्वामी, शनिदेव ने आपको इससे क्या? यदि हम दोनों के प्राण निकल गए, आपकी इच्छा तो पूर्ण हो जाएगी। सुरुचि, मुझे भली भांति ज्ञात है महाराज कि आप अपने आराध्य जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु से दिन रात यही प्रार्थना करते हैं कि किसी प्रकार मेरे प्राण निकल जाए और आप मेरी सौत सुनीति को
इस महल में पुनः ले आए। सुरुचि सुरुचि सुरुचि, अपनी मर्यादा को लांघने का दुस्साहस न करे, मेरे धैर्य की ऐसी कठोर परीक्षा न ले। उत्तेजित ना हो महाराज, मैंने पहले भी आपको सावधान किया है कि आप माता और पुत्र के मध्य में ना आए। पटरानी, जिस प्रकार युवराज उत्तम आपके पुत्र हैं, उसी प्रकार वे मेरे भी पुत्र हैं। युवराज पर जितना अधिकार आपका है, उतना ही अधिकार मेरा भी है। युवराज पर अपने अधिकारों की दुहाई ना दें आप। अर्थात उत्तम मात्र मेरा पुत्र है, मेरे आराध्य भाग्य विधाता शनिदेव की कृपा का परिणाम है युवराज उत्तम। इस पर मेरे अतिरिक्त किसी का कोई अधिकार नहीं। अहंकार ने तुम्हारी मति भ्रमित कर दी है पटरानी, तुम्हें ज्ञात नहीं कि तुम क्या कह रही हो। पुत्र पर माता और पिता का समान अधिकार होता है। अवश्य अवश्य होता है महाराज, किंतु तब जब पिता अपना संपूर्ण स्नेह पुत्र को प्रदान करे। क्या तुम युवराज उत्तम के प्रति मेरे स्नेह पर संदेह कर रही हो? संदेह नहीं महाराज, पूर्ण विश्वास है कि उत्तम के प्रति आपका स्नेह मेरी सौत सुनीति के पुत्र ध्रुव के साथ बटा हुआ है। आप मुझ पर मिथ्या आरोप लगा रही हैं पटरानी। सुनीति के पुत्र ध्रुव को तो मैं देखने भी नहीं गया। इस बात का कितना दुख है ना आपको। मैं आपके स्वभाव और आपकी वचन निष्ठा से भलीभांति परिचित हूँ। यदि आप वचन पूर्ण नहीं कर सकते तो वचन लेते क्यों हैं? आज तो आप अपनी पटरानी के सन्मुख निरुत्तर हुए हैं, किंतु संसार के सन्मुख आपको वचन भंग करने के कारण मुँह छिपाना पड़ेगा। चले युवराज, इस प्रकार शनिदेव का अपमान ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। होने दो अनर्थ, मैं नहीं जाता। उत्तम, युवराज उत्तम। हे शनिदेव, हमारी पटरानी आपकी परम भक्त है। यदि उत्तम के बाल स्वभाव और आचरण ने आपके सम्मान में अनुचित किया हो तो मैं युवराज की ओर से आपसे क्षमा याचना करता हूं। उसके बाल स्वभाव को क्षमा करें शनिदेव। मनन है कृतिकार का, तप ही साधन तप ही कारण, जीव के उद्धार का व्रत है तृप्ति व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का दर्श है ओंकार का। ज्ञान की तुम से ही पहचान होती, सर्वशक्तिमान की व्रत ही देता हर एक जन को, सच्ची शिक्षा ध्यान की सच्ची शिक्षा ध्यान की।